वेलकम बैक टू मेरी दुनिया। शॉप से ऊपर आ गई हूँ। आज सैटरडे है तो हरित्वी का जल्दी ऑफ हो गया था स्कूल, फिर ऊपर आई, फिर ज्योति को लंच देने नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर कपड़े धोने के लिए डाले और दोनों मशीनों में डाले, एक में क्लीनिंग वाले सारे कपड़े, क्योंकि परसों से मैं बीमार हूँ तो परसों से मैंने क्लीनिंग वाला कोई भी कपड़ा नहीं धोया, और ऐसे ही इकट्ठे कर रही थी, फिर ऐसे ना मेरे को हो गया कि इनमें स्मेल आ जाएगी, तो उनको वो दूसरी मशीन में डाला सेमी ऑटोमेटिक में। 3 दिन से मैंने अपने और हरित्वी के कपड़े नहीं धोए, वो एक में डाले हैं, और पीछे देखिए गैम्मा गैम्मी। ज्योति को मैंने बोला 1 घंटा अकेले दुकान संभालो और मैं ऊपर सफाइयां करके जो है वो आती हूँ, क्योंकि कल है संडे और मेरा ये है कि मुझे संडे को एक हरित्वी को एक अच्छा सा लंच देना है। बहुत टाइम से उसे मैंने कुछ स्पेशल नहीं खिलाया, वो देना है उसको, और एक मेरा है कि मुझे कल उसे पढ़ाना है क्योंकि उसके एग्जाम आ गए हैं, दैट्स व्हाई। तो आज मुझे बहुत काम है, बहुत। सो गाइस, फटाफट से एक एनर्जी सी जुटाई और बर्तन धोने हैं। थोड़े से बर्तन मैंने धो लिए थे, फिर उनको लगाने लगी और मुझे याद आया मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे और चीज़ें जो है वो मैं समेट रही थी, क्योंकि यूनिफॉर्म मैं डेली धो लेती हूँ लेकिन जो हमारे रोज़ाना के कपड़े होते हैं ना वो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर कुछ सूट होते हैं जिनका रंग उतरता है तो फिर उसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में धोना होता है, तो फिर उनको भी इकट्ठे करती रहती हूँ और बीच में जब मुझे टाइम लगता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि आज संडे था, आज सैटरडे है, सॉरी, जिस दिन का ये ब्लॉग है सैटरडे था, तो संडे के लिए मुझे बहुत काम थे और किचन में भी थोड़े से पोर्शन थे जो उनकी क्लीनिंग रहती थी, और फिर मिस्टर बहल भी थोड़े दिनों में आने वाले हैं, तो जब वो आ जाते हैं फिर वो कोई भी क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करने देते और ना ही मुझे टाइम लगता है, क्योंकि फिर घर का काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, मील मेन्यू थोड़ा सा अलग हो जाता है, दैट्स वाई। तो मैंने सोचा कि संडे हरित्वी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो संडे का दिन जो था पूरा हरित्वी को डेडिकेट करना था, उसे अच्छा लंच देना था, क्योंकि चटपटी चीज़ें उसे खानी बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए एक अच्छा सा लंच बना दूँगी संडे को, उसे पूरा दिन पढ़ाना भी है। तो सैटरडे को मैंने बहुत सारे जो है वो काम ख़त्म किए, पूरे जो कपड़े थे वो मैंने सैटरडे को धो लिए, क्लीनिंग वाले कपड़े भी मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, जो भी क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं वो भी इकट्ठे कर लेती हूँ। और यहाँ पर दूध रख दिया था मैंने पनीर बनाने के लिए, और ये सौंफ का पानी है जो मैं और हरित्वी दोनों लेते हैं, हरित्वी को मैंने दे दिया था, मेरे हिस्से का रहता था। दिन में एक बार मैं हरित्वी को सौंफ का पानी जरूर देती हूँ, डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। और मैंने 10 मिनट लेटी भी इसलिए क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करके पब्लिश करके थंबनेल लगाना था, क्योंकि मुझे 4 बजे ब्लॉग को अब पब्लिश करना होता है, मैंने ये सोचा हुआ है। और यहाँ पे इसका खेलकूद भी हो गया इसके साथ और पढ़ाई भी हो गई, अब ये खेलेगा गेम। और मैं जा रही हूँ अब किचन में सफाई के लिए। मैं सोच रही थी ये बड़े वाले टैडी को धो लेती हूँ, लेकिन ये वॉशिंग मशीन में आएगा नहीं, फिर सुखाने में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं सोच रही हूँ इसे ना बेकिंग सोडा से साफ़ करूँ, मैंने कई बार देखा है, लेकिन अभी मुझे किचन में करनी है सफाई। यू कैन से इट, जैसे मैंने पोर्शंस में आपके साथ शेयर किया था ना, मैंने पहले अंदर के कैबिनेट्स किए थे फिर बाहर के किए थे, तो आज ये वाले पोर्शन की बारी है, वो करने वाली हूँ। कपड़े वगैरह समेट के मैं कुछ देर बैठी, ब्लॉग वगैरह एडिट किया, उसे पब्लिश किया, फिर यहाँ पे आ गई, अपने पहले तो पुराने गाने लगाए, और तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा और मेरा एजेंडा था कि मुझे 4 बजे चाय लेके नीचे जाना होता है, तो 1 घंटे में जितने पोर्शंस क्लीन होते हैं वो मैं कर लूँ। साइड वाले तो हो गए थे जिनमें बर्तन वर्तन रखे हैं, और ये ग्रोसरी वाला एरिया है जिसे आप पैंट्री सेक्शन बोल सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हरित्वी का स्नैक होता है वो 2-3 महीनों का इकट्ठा आता है, उसका स्नैक जस्ट उसकी एक फेवरेट चॉकलेट है जो उसके पापा ही दुबई से लेके आते हैं बस, और उसका कोई और स्नैक नहीं है, उसके ड्राई फ्रूट्स ही रोस्टेड जो है स्नैक्स होते हैं, काजू बादाम रोस्टेड, वो ये खाती है, या घर का बना हुआ चिवड़ा, घर की चीज़ें ही मैं हरित्वी को देती हूँ, तो बस वो अरेंज की ये, उसने पोर्ट कुछ कलर किया था। और ये वाला जो पोर्शन था ना, यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स रखी हुई थी, मेरे मैथ जितने 8th स्टैंडर्ड से लेके MSc तक मैंने मैथ पढ़े हैं वो सारे इकट्ठे किए थे, लेकिन मुझे ना जगह की थोड़ी सी कमी है, बच्चे के साथ तो जगह वैसे ही मतलब कम लगती है, उसकी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा है, और मेरा बच्चा तो क्रिएटिव बहुत है, उसका सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ना ऐसा हो गया था कि यहाँ पे मुझे लगा कि जैसे ना कपड़ों में कीड़ा लगता है ना, वैसे बुक्स में कीड़ा लगता है, तो मैंने एक कीड़ा इस पोर्शन में एक दिन घूमते देख लिया, तो मैंने सोचा यहाँ से बुक्स निकाल के कहीं और शिफ्ट करती हूँ, तो देखिए कहाँ पे शिफ्ट होती हैं। और बस दवाइयाँ वगैरह देख रही थी कुछ एक्स्ट्रा हैं, एक्सपायर तो नहीं हो गई, वो फेंकूँ, जैसे हरित्वी की आयुर्वेदिक मेडिसिन है थोड़ी सी अलग सी हो जाती है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं कर रही थी। बस 1 घंटे में इतनी फुर्ती मारी हुई थी ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, और फिर
जितनी देर मैं ऊपर होती हूँ दिल भी मेरा शॉप पे लगा रहता है। और ये हरिति को भूख लग गई थी बस अपनी चीज़ें देख के, क्योंकि मैं रीपैक कर रही थी सब कुछ। तो फिर मैंने उसको जो है छोटा सा उसका स्नैक दे दिया और उसके बाद लग गई अपने कामों में। और ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे हरित्वी के स्नैक्स होते हैं जो वो खुद उठा सकती है, खुद खा सकती है। तो मेरी किचन में ना सिर्फ यही एरिया होता है जो 3-4 दिन बाद मैसी हो जाता है। अदरवाइज़ तो मेरी किचन में कोई भी एरिया ऐसा नहीं होता जो जल्दी गंदा हो जाए, क्योंकि एक ही हाथ लगता है और मुझे आदत है वहीं से लेके प्रॉपर वहाँ पे चीज़ रखने की, उसी टाइम उसे साफ़ करने की। तो इसलिए कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके साथ ही मैंने सारे पोर्शंस जो है वो एक बार से फिर से रीचेक किए ताकि मेरा महीना जो है ना वो आराम से निकल जाए। और जो चीज़ मुझे लग रही थी फेंकने लायक है जैसे भी है उसको किया, और जो पोर्शंस नहीं लग रहे थे तो उनको रहने दिया और जस्ट सेल्फ को क्लीन किया। और उसके बाद आउटडोर जो कैबिनेट्स हैं उनको अच्छे से, जो भी मेरा डेली वाला क्लीनर होता है जिसमें एक चम्मच जो है विम डिश वॉशर होता है और दो थोड़ा सा सिरका होता है, फिर उसमें पानी डाल के मैं रखती हूँ और वही जो क्लीनर है वो मैं हर जगह यूज़ करती हूँ। ये कुछ डिब्बे हैं जो खाली हुए थे जिनमें स्नैक्स वगैरह थे जिन्हें, और यार ये ना मेरा नुकसान हो गया, ये टूट गई आज, बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार आज से ना। और ये एक दिन ना इसमें पहले कड़क गई थी, मेरे से ही गलती हो गई थी, मैं ना इसमें काढ़ा रख के भूल गई और बस सारा पानी ख़त्म हो गया। मेरे से ना 3-4 दिन में ऐसा हो रहा है, पिछले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही कोई पंगा हुआ बट मैंने मिस्टर बहल को बताया नहीं क्योंकि फिर वो डर जाते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो फिर वो बाहर से ना उनको बहुत रहता है किसी कुछ हो ना जाए, बच्चे के साथ है ना, मुझे तो कम बच्चे का ज़्यादा उनको फिक्र है। तो उसके बाद लगे हाथों मैंने फ्रिज को भी हाथ लगा ही लिया, और फ्रिज को मैं क्लीनर वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ, बस अंदर थोड़ा थोड़ा लगाया, पर ध्यान रखना है क्योंकि सारी चीज़ें ढकी थी तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेन लगाया ना बस इसको गीला करके वहाँ पे स्ट्रेन्स को ही साफ़ किया मैंने, और क्योंकि ये भी बस एक ही हाथ लगा होता है ना तो मेरी फ्रिज भी साफ़ ही होती है। बस ये वाला पोर्शन था ना जो ऊपर वाला, इसमें मैं सूखे मसाले दालें वगैरह जिनमें कीड़ा लगने का डर होता है, काले चने राजमा वो रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन शॉप पे रहना होता है तो बार बार सफाई करने का टाइम नहीं होता, इन चीज़ों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं। और आपको पता है मुझे किचन के काम इतने नहीं आते थे, ये तो मैंने शादी के बाद ही कहते ना सिर पे ही थे फेर ही सीखे ने, तो इन चीज़ों से मैं डरती हूँ। तो मम्मा ने बोला कि बेटा तू ना ऐसा किया कर अंदर रख ले, तो मैंने इन सारों चने वगैरह जो भी थे मैंने एक बास्केट में भरे, जैसे सूजी मैदा है ना, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, और ये सारे सूखे मसाले जो स्पेशली मिस्टर बहर आते हैं फिर ही खाने में यूज़ होते हैं तो इनको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ख़राब नहीं होते और कोई भी टेंशन झंझट नहीं होती। और अब बारी आती है मेन पोर्शन की। ये वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जिसको आप डेली साफ़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन होता है और डस्टबिन ही और यहाँ पे सिंक का स्ट्रेनर होता है, तो कीड़े मकोड़े आने का कचरे से ही डर होता है, है ना, तो कॉकरोचेस वगैरह आने का भी डर यहीं से होता है। तो इसे तो मैं डेली साफ़ कर ही लेती हूँ, 1-2 दिन बाद कर लेती हूँ क्योंकि मैं यार गंदगी नहीं होती। और यहाँ पे मैं हरित्वी के साथ हंस रही थी, कहती मम्मा कहाँ घुसे हुए हो, आपको चैन नहीं है, कहती मैंने पापा को अभी वीडियो भेजनी है। मैंने कहा अभी मत भेज बाबा, वो ब्लॉग देख लेंगे फिर भी चिल्लाएंगे, तेरी वीडियो पर भी चिल्लाएंगे, तो एक बार ही मुझे गुस्सा उनका सुनने दे। तो ये वाला एरिया जो है ना वो डेली साफ रहेगा तो आपकी किचन बिल्कुल क्लीन रहेगी, ऐसा कुछ भी कीड़ा काकरोच जो है आपके किचन में बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छे से इसे सुखा लें और उसके बाद यहाँ पे क्या करें, जो भी आप मॉस्किटो स्प्रे रखते हैं या कॉकरोच स्प्रे रखते हैं, मेरे पास तो अभी हिट अवेलेबल थी, आपके पास बेगोन है तो आप वो स्प्रे कर दें। 1-2 दिन बाद ऐसे यहाँ पे स्प्रे करते रहें, कोई भी कीड़ा कुछ भी नहीं आता, और मेरी किचन में तो कोई कॉकरोच कीड़ा कभी आता ही नहीं है। हाँ जी, तो मैंने किचन का जो जो पोर्शन रहता था ना जहाँ मेरा मैंने सफाई नहीं की थी वो मैंने सारी सफाई कर ली। अब ये जो है बर्तन बर्तन सूखने को टाइम लगेगा तो मुझे जाना है शॉप पे, फिर उसके बाद आके शाम को ये वाला पोर्शन तो चलता ही रहता है ना। बस यही कहूंगी के लगे रहे, सारा आईलाइनर वाइनर निकल गया, बस खुश रहे। मतलब फ्री का बैठने का मतलब यह है कि अगर आप बैठना चाहते हो रीडिंग कर लो, कुछ कर लो, मतलब कुछ करो जिंदगी में, कुछ करो, चाहे भाई घर में झाड़ पोछा ही अच्छे से लगा लो, फ्री मत बैठो। वेला मैम शैतान का घर। अगर आप किसी भी चीज को लेके डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, कोई चीज आपको बॉदर कर रही है तो अपने आप को बिजी कर दो अपने। और फिर पहुंच गई मैं शॉप पे, और शॉप पे आज थोड़ा सा काम था क्योंकि टीचर्स डे आने वाला है तो हरित्वी को कार्ड बनाना था, तो ये सारा जो चार्ट है वो खुद हरित्वी बना रही थी और मैं एक साइड पे जो है वो कार्ड बना रही थी। और ये है उसके टीचर्स डे का कार्ड जो मैंने और हरित्वी ने दोनों ने मिलके बनाया है,
और बताइएगा आपको कैसा लगा टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमेशा सीखते रहें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। और ये पोर्शन रह गया, सिर्फ इसे कलर करना है, तो ये ऊपर जाके कर लेंगे। वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं ऊपर, और आज मेरा डिनर में ना हरित्वी को कुछ स्पेशल देने का मन है। हरित्वी को मोमोज बहुत पसंद है, लेकिन वो तभी मोमोज खाती है जो पापा यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है बाहर से खाते हैं। मैंने एक बार दो बार घर पे बनाए थे, तब मेरे मम्मा आए हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ उसे सरप्राइज़ देती हूँ, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। मैं ट्राई करने वाली हूँ आज मोमो, चटनी मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि उसे टमाटर वाली ज़्यादा पसंद नहीं है, पूछ लूँगी, और क्योंकि ग्रीन चटनी पड़ी हुई है, तो देखती हूँ उसका क्या मन है कैसा नहीं है। एंड मेरे पास टमाटर है भी नहीं मुझे लगता है, हाँ मेरे पास टमाटर नहीं है, तो मैं जल्दी से मोमोज का आटा रेडी करती हूँ पहले। और फिर मैं जुट गई मोमोज़ बनाने में। तो मोमोज़ बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी जो है वो मैदा लिया था, उसमें नमक डाला, थोड़ा सा तेल डाल के इसे कोसे पानी से जो है वो आपने गूंथ लेना है। सिंपल आटा गूंथना है, जैसे आप चपाती का आटा गूंथते हो उससे थोड़ा सा टाइट गूंथ लीजिएगा, मतलब ना टाइट हो ना, मतलब सिंपल आटा गूंथे, ऐसा कुछ इसमें फंडा नहीं है। मोमोज़ बड़े सिंपल से बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ईजी बन जाते हैं। तो अच्छे से गूंथने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए रख दें। इसे मैंने गीले कपड़े से 10-15 मिनट के लिए ढक दिया था, तब तक आप इसकी फिलिंग बना सकते हैं। फिलिंग आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे कैबेज की बना रही हूँ, पत्ता गोभी की। मैंने एक मिर्च जो है हरी वो डाली चॉपर में, थोड़ी सी पत्ता गोभी को बारीक काट के फिर मैंने चॉपर में डाल लिया। इसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, लहसुन अदरक ज़रूर डालिएगा, असली फ्लेवर जो मोमोज़ में होता है ना वो लहसुन और अदरक का ही होता है। तो मैं साथ ही बारीक बारीक कट के लहसुन अदरक डाल लूँगी, फिर मैं इसमें डाल लूँगी एक प्याज और बस, फिर हम इसे चॉपर में जो है वो चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। आप कद्दूकस करना चाहते हैं आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में चॉप करना मुझे बिल्कुल इजी भी लगता है और अच्छे से जो है वो चॉप भी हो जाती है। उसके बाद एक इजी सा मेथड है इसका, हाथ से निचोड़ के अगर आपको पानी निकालना है तो निकाल दीजिए, किसी कपड़े में डाल के निकालना है तो डाल दीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लेके उसमें हींग और जीरा डाल के मैंने जो इसका पानी निकाल लिया था कपड़े से निचोड़ के इसको डाल दिया है, और 2-4 मिनट सोते करेंगे। इसमें बस नमक डालेंगे, दैट्स इट। तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 4-5 बूंदें ही डालनी है हींग और जीरा भुनने होने तक बस, और इसका पानी जो है बिल्कुल सूख देना है, फिर आपकी फिलिंग जो है बाहर नहीं निकलती। और टेस्ट फिलिंग का तो अभी बहुत अच्छा आ रहा था, सारा दिन बहुत काम किया था, बहुत काम किया था, नीचे ऊपर दौड़ी भागी थी तो मैं थक गई थी, लेकिन हरित्वी को अच्छा खाना तो मुझे देना ही है सैटरडे या संडे में से। तो मैंने सैटरडे को डिसाइड कर लिया कि चलो इसको रात को मोमोज खिला देती हूँ। संडे को मेरे मेन्यू में ना बहुत सारी और चीज़ें जुड़ गई, और मेरा मेन फोकस था कि इसका पंजाबी और मैथ का सिलेबस मुझे ख़त्म करना है। पंजाबी और हिंदी एक्चुअली लैंग्वेज में बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई और इतनी बस चपाती बेलनी है, जैसे आप पूरी बेलते हो ना उतनी का बेल लो, और आप किसी भी तरह से यार इसे डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि परफेक्शन तो मुझ में भी नहीं है, और मैं सही बात बोलूँ तो डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से कोई भी दे दीजिए, बस अच्छे से दबाइएगा, फिलिंग खुलनी नहीं चाहिए। और ये देखिए बहुत ही प्यारी मेरी तो फिलिंग हो गई थी, लेकिन मैंने ना फिलिंग कईयों में ओवरलोड कर दी थी, तो उनको ना खुलने का डर होता है, तो फिलिंग तो है इतनी ज़्यादा मत कीजिएगा। मेरे को भरा भरा खाना पसंद है, इसलिए मैंने फिलिंग को ओवरलोड किया था। स्टीमर रख लिया है मैंने मोमोज़ का, और ये वाला सांचा ना मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट किया था, गिफ्ट क्या मुझे ऐसे ही मिलते रहते तो पानी रख दिया है, पानी बॉयल हो गया है, स्टीमर को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, ट्रे को इसकी को उसके ऊपर मोमोज़ रख दिए हैं, बस इसको मीडियम आंच पे हम ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और बीच बीच हम चेक करते जाएंगे, और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब इसको उठा लेना है। इसको ज़्यादा सेक बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि फिर ये ना थोड़ा कड़ा कड़ा सा हो जाता है, सख्त सख्त सा हो जाता है। एक बार मैंने आगे बनाए थे तो मुझे तब का आइडिया है, और मुझसे ये गलती हुई कि मेरे से ना थोड़ी थोड़ी मोटी चपातियाँ बेलेगी, आप थोड़ी थोड़ी पतली बेलिएगा। 7-8 मिनट पे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, जो पतली पतली बेली होती है ना वो 7-8 मिनट पे ही ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, जो थोड़ी मोटी बेली होती है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने चिमटे से निकाला, ये चिमटे के साथ बिल्कुल नहीं चिपके, इट मीन्स ये पक गए हैं, और देखिए कितने प्यारे पके हैं, कितने प्यारे। देखो मैं शेफ़ हूँ ना, चलो जल्दी से लाइक कर दो मेरा व्लॉग फिर। तो यहाँ पे चटनी सिर्फ मोमो और मैंने मेयोनीज डाली है, और जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है आधा, तो मैंने यहाँ पे खा ही लिया, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, मुझे ना लहसुन बहुत टेस्टी लगता है इसमें। बन गया जो मैं हरित्वी को दे रही हूँ, और इसमें से मुझे अपनी ये गलती पता चली कि जो मैंने इसकी चपाती बेली ना वो मैंने थोड़ी मोटी बेली, जो मैंने पतली बेली है वो बहुत सही गई है, जो मोटी बेली है ना थोड़ी सी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। और 10 से 12 मिनट के बीच ये बिल्कुल बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ये हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यम्मी तो बहुत बने हैं, यम्मी बहुत बने हैं, देखते हैं हरित्वी क्या रिएक्शन देती है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगे।
और फटाफट से किचन साफ कर लेती हूँ लास्ट लोड बनने से पहले। हाय, कैसे लगे मोमोज? यम यम। अच्छा, जो खुश ने प्लेट सारी खत्म कर दी है। और ये ना तीन बच्चे थे मेरे, पेशेंट अलो नहीं करती ये चीज़ें खाने के लिए, बट मैंने आज दो खा लिए क्योंकि ये घर के बने हुए हैं, तो बस अब नहीं खाऊंगी। ये तीन बच गए हैं तो ये ज्योति के लिए रख लेंगे, कल आंटी आएंगे। कल ज्योति तो नहीं आने वाली, संडे है तो बंद रहेगा, तो आंटी आते हैं, उसकी मम्मा मेरे जो झाड़ू पोछा करते हैं ना हाउस हेल्पर, वो ज्योति की मम्मा है, तो वो ज्योति के लिए ले जाएंगे। मैंने एक पनीर वाला खाया क्योंकि मुझे पनीर अलो है उसके साथ। आपकी मुझे नहीं उतरी है, अच्छे से बुब्बी धो के आइए। तो काम सारा मेरा खत्म हो गया है, बस ये दो चीजें समेटती हैं, फिर मुझे हरित्री को बहुत ज्यादा पढ़ाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, देखते रहे हमें, अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस बंदे को समझाएं, ये बहुत पंगा लेता है। हाँ मैं ऐसी हो जाता है, और पीछे इसका सेल्ला आ गया है, पहले ये उठाया हुआ था, ये ब्राउनी था ना, इसके मामू ने इसको गिफ्ट किया था आई थिंक 2 साल पहले, है ना? 2 साल पहले नहीं, हाँ 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले तू तब तो उसमें था, नहीं नहीं कोविड का टाइम था, कोरोना था, स्कूल नहीं जाते थे हम, तो इसके साथ फिर मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया था क्योंकि ना इसको धोना मुश्किल है ये जी। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर हृति के साथ बातें करती हूँ, बाय।